जबरदस्ती चला लेना, और मुझे उम्मीद है कि ये साफा बांधने वाले लोग मेरे साथ खड़े मिलेंगे, हर पल खड़े मिलेंगे, क्योंकि आज आपके सबके साथ के बिना हम ये सवाल पूछने का सिलसिला जारी नहीं रख पाएंगे। अगर इन्होंने अपने मंसूबे के तहत मुझको ये चुनाव हरा दिया तो यकीन जानना इस इलाके से कभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल पूछने वाले की जबान ऐसे दबा दी जाएगी जैसे वो दबाने की कोशिश मुझे कर रहे हैं। सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं कि आपको आपकी आवाज उठाने वाले पसंद है या आपको आपकी आवाज दबाने वाले पसंद है, ये आपको तय करना 10 तारीख को। जय हिंद। तो बड़े मजबूती से ये कह सकता हूं कि आपकी यहाँ देवभूमि से जाकर काजी साहब ने किसान के बच्चे को, जिसके परिवार में ना कभी कोई पंच रहा, ना कोई सरपंच रहा, ना कोई प्रधान रहा, और मुझ जैसे साधारण परिवार के बच्चे को इन्होंने उंगली पकड़ कर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, उसका श्रेय केवल और केवल काजी साहब को है। से बात करी, अभी एक सैनी जी फंस गए बलात्कार में, उससे पहले जो है उसमें अंकिता भंडारी में भी यही थे, चंपावत में भी यही थे, सारे जो है पेपर लीक हुए उसमें भी भाजपा के लोग थे। क्या बात कह रहे हैं आप? और भ्रष्टाचार जो है, आप तो खुद पत्रकार हो और खोजी पत्रकार हो, आपसे ज्यादा किसे जानकारी। मैं आकर किसान नेता उनकी कोई हिमायत में बात कह देंगे, लेकिन किसान का बच्चा कभी किसी के प्रभाव में पहले आया होगा जो अब आएगा? उन्होंने वही बात कही जो जन भावनाएं हैं और किसान की मजदूर की भावना है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आपसे वोट मांगने के लिए आए तो एमएसपी की बात पूछिए, उनकी मौजूदगी में ये बात हो रही है। बिजली की बात पूछिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी आपके बीच में आएंगे, आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं करेंगे, बच्चों के शिक्षा तालीम की कोई बात नहीं करेंगे। मैंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को लॉन्च किया था और उन्होंने भाषण दिए, मैं उन कांग्रेसियों में से एक था, तो मैं भी सोचता था कि हो सकता है कि हमारी सरकारों से पीछे कुछ गलतियां रह गई हों और ये शख्स आकर कुछ हमारे देश को तब्दील करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में कोई एक ऐसी बात घर कर रही थी, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल के बाद और 6 साल के उनके डबल इंजन की सरकार उन्होंने मांगी थी, 7 साल की राज्य सरकार के कार्यकाल के बाद मैं यहाँ नारसन कला के लोगों से चंद सवाल पूछूंगा कि अगर हम गुरुकुल की सड़क पर खड़े हो जाएं और वहां पशु चिकित्सालय की नजर तरफ नजर डालें, सुनने में आ रहा है कि पोलिंग वाले दिन दबंगई होगी, गुंडागर्दी होगी, सुनने में आ रहा है वीडियो बना बनाकर धमकियां दे रहे हैं। आपको पसंद आ रहा है कि मंगलोर के नारसन के खेड़े के लोगों पर कोई दबाव बंदिश दबिश होगी? आप ये लाता दबाव बंदिश जबरदस्ती बर्दाश्त करने वाला है? करेंगे जबरदस्ती बर्दाश्त? इतना कह रहा हूं आपके सबके बीच में कि करेंगे अगर जबरदस्ती
तो मेरा सामना उनको करना पड़ेगा। जब तक मेरे सांस में सांस है वो जबरदस्ती तो नहीं चलेगी, अगर मैं ही ना रहा तो फिर चाहे जिस पर जितनी जबरदस्ती चला लेना। और मुझे उम्मीद है कि ये साफा बांधने वाले लोग मेरे साथ खड़े मिलेंगे, हर पल खड़े मिलेंगे, क्योंकि आज आपके सबके साथ के बिना हम ये सवाल पूछने का सिलसिला जारी नहीं रख पाएंगे। अगर इन्होंने अपने मंसूबे के तहत मुझको ये चुनाव हरा दिया तो यकीन जानना इस इलाके से कभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल पूछने वाले की जबान ऐसी दबा दी जाएगी जैसे वो दबाने की कोशिश मुझे कर रहे हैं। सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं कि आपको आपकी आवाज उठाने वाले पसंद है या आपको आपकी आवाज दबाने वाले पसंद है, ये आपको तय करना 10 तारीख को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और मैं आप सब लोगों के समक्ष खड़ा होकर इस बात को बड़े मजबूती से कह सकता हूं कि आपकी यहाँ देवभूमि से जाकर काजी साहब ने किसान के बच्चे को, जिसके परिवार में ना कभी कोई पंच रहा, ना कोई सरपंच रहा, ना कोई प्रधान रहा, और मुझ जैसे साधारण परिवार के बच्चे को इन्होंने उंगली पकड़कर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, उसका श्रेय केवल और केवल काजी साहब को है। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ने काजी साहब को राजस्थान प्रभारी बनाकर भेजा तो उसके पीछे इनके ऊपर अगर किसी का आशीर्वाद होया तो आप सब लोग छत्तीस कौम के लोग यहाँ बैठे हो, आप लोगों की बदौलत ये राजस्थान हम सब लोगों के बीच में आए, और आप लोगों की वजह से इन्होंने राजस्थान ही पूरे देश में ऐसे किसान के बच्चों को तराशने का काम किया जो कभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ सके, लेकिन काजी साहब ने उन लोगों को हाथ पकड़कर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया है। साथियों आज नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त नारसन कला में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर प्रचार चल रहा है, चुनावी प्रचार चल रहा है कांग्रेस का, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि माहौल क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना और उबैदुर रहमान और काजी निजामुद्दीन के बीच फाइट होनी है। कौन जीतेगा, कौन मंगलौर विधायक बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, चुनाव तो मेरे काजी साहब ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? अरे काम छुपाया करो। अच्छा, किस तरह काम भाई, गरीब को, मजदूर को, सबको हर डब्बे सहायता मिलो, और तो जब सारी सहायता मिल रही और तो फिर चुनाव ये जीतेंगे, और कौन जीतेगा? वोट पंजे को देंगे, हाँ कांग्रेस को। तो भाजपा ने कौन सी बात करी? अभी एक सैनी जी फंस गया बलात्कार में, उससे पहले जो है उसमें अंकिता भंडारी में भी यही थे, चंपावत में भी यही थे, सारे जो है पेपर लीक हुए उसमें भी भाजपा के लोग थे। क्या बात कह रहे हैं आप? और भ्रष्टाचार जो है, आप तो खुद पत्रकार हो और खोजी पत्रकार हो, आपसे ज़्यादा किसे जानकारी? कौन सा राष्ट्रहित है भाई? पेपर लीक होना राष्ट्रहित है? अग्निवीर राष्ट्रहित है? वो जो गौ मांस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उनसे 52 करोड़ रुपए लेना राष्ट्रहित है क्या? कैसे करतार, कैसे काजी, किसको जिताने वाले? कांग्रेस पार्टी को। कैसे कांग्रेस भी होता है, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। अच्छा जी, क्यों जिताएंगे? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि वो सबको साथ लेकर चलने का काम करती है और सबका विकास करने का काम करती है। यह कैसे करतार मान लो या वैसे भाजपा मान लो, ये लोग सबका विकास की बात तो करते हैं लेकिन सबका विनाश करने का काम करते हैं। ये आप लोगों ने देखा, जो जयंत चौधरी को लठों से छेदते थे उसको डरा धमका कर अपने साथ ले लिया, तो ये इस तरह का टॉर्चर करने का काम करते हैं। आप लोग इस विधानसभा में ऐसा चलना है कि भाई 4000 में वोट खरीद लेंगे, 5 में वोट खरीद लेंगे,
दो पैर बाद वोट नहीं डालने देंगे। यहाँ के क्षेत्र के लोग इतने कमजोर नहीं है। भाजपा के कहने से राष्ट्रित नहीं होता। अगर भाजपा राष्ट्रित होती तो उसको लोग 50 साल पहले जब RSS जनसंघ था तब से सरकार मिला थी। किसने बोलिया कि पैदा वोट खरीद लेंगे? ये पब्लिक में चलते हैं बातें, ऐसे ही नहीं चलते हैं।